अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इस साल की सबसे बेहतरीन पांच हॉरर मूवीज़ के बारे में बताऊंगी और इनमें जो सबसे बेहतरीन है वो नंबर वन पर है। तो आइए शुरू करते हैं काउंटडाउन। स्कैरी मूवी। ऑल इन द ग्राउंड। एक माँ और बेटा एक देहात में रहने के लिए आते हैं। उनके घर के पीछे एक जंगल में अजीबोगरीब किस्म का गढ़ा होता है जिस पर शैतानी ताकतों का बसेरा होता है। तो माँ अपने बेटे को कहती है कि जंगल के इर्द गिर्द मत जाना और ना ही घूमना, लेकिन फिर वो गलती से एक दिन वहाँ चला जाता है तो शैतानी कुतें उस पर गालिब आ जाती हैं और उस पर असर कर देती हैं। वो लड़का अजीबोगरीब हरकतें शुरू कर देता है। रात को वो बदल जाता है और कीड़े मकोड़े खाना शुरू कर देता है। जब उसकी माँ को महसूस होता कि उसके बेटे पर शैतान का साया है तो वो जंगल में जाकर शैतानी ताकतों का मुकाबला करती है अपने बेटे को बचाने के लिए। नंबर चार, क्रॉल। हेली नाम की एक लड़की फ्लोरिडा में आती है जहां पर समुद्री तूफान आने वाला होता है। सारा शहर खाली करा लिया जाता है, लेकिन हेली इस बात को नहीं सुनती और वो अपने घर में अपने बाप के साथ फंस जाती है। तूफान की वजह से घरों में पानी जमा होना शुरू हो जाता है और मगरमच्छ भी अंदर दाखिल हो जाते हैं। हेली और उसका बाप फिर मगरमच्छों से मुकाबला करते हैं अपनी जान को बचाने के लिए। नंबर तीन, रेडी और नॉट। ग्रेस नाम की लड़की अपने ख्वाबों के शहजादे डेनियल से शादी कर लेती है जो बहुत ही अमीर और हैंडसम होता है, लेकिन डेनियल के घर वालों का एक बहुत ही ईवल पास्ट होता है। तो ग्रेस की शादी की रात उसके ससुराल वाले बंदूकों और चाकुओं के साथ उसके घर के बाहर उसका शिकार करने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि वो ग्रेस की बलि देना चाहते हैं शैतान को। ग्रेस पूरी रात अपनी जान को बचाने के लिए अपने ससुराल वालों से लड़ती है और उनका मुकाबला करती है। नंबर दो, पेट सेमेटरी। ये स्टीवन किंग की बेस्ट हॉरर मूवी है साल की। इस फिल्म में एक फैमिली अपने दो बच्चों के साथ एक ऐसे घर में आते हैं जिसके पीछे कब्रिस्तान होता है जहां पर पेट्स को दफनाया जाता है। एक दिन ऐसा होता है कि इनकी बिल्ली मर जाती है जिसको वो पेट सेमेट्री में दफना देते हैं, लेकिन फिर वो शैतानी ताकत का रूप धार कर वापस आ जाती है। ये बिल्ली इनकी बेटी के साथ रहती है और उस पर हमला करती है। जब उनको महसूस होता है कि बिल्ली एक शैतानी ताकत है, वो उसको एक ऐसी जगह छोड़ आते हैं जो शहर से काफ़ी दूर होती है। लेकिन शाम से पहले पहले बिल्ली घर वापस आ जाती है और इनकी बेटी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसकी मौत हो जाती है। लड़की का बाप उसको पेट सेमेट्री में दफनाता है ताकि वो वापस आ जाए। उस कब्रिस्तान में जितने भी लोग दफनाए जाते हैं वो वापस आ जाते हैं मौत के बाद। इनकी बेटी वापस तो आ जाती है लेकिन एक शैतानी ताकत के तौर पर, और वो अपने बाप और माँ की जान ले लेती है और इन दोनों को उसी कब्रिस्तान में दफना कर शैतानों में बदल देती है। नंबर एक, इट टू। ये मूवी स्टीवन किंग की इट वन का अगला पार्ट है जिसमें एक क्लाउन यानी कि जोकर मुख्तलिफ किस्म की शक्लें धार के बच्चों को डराता है। इसकी कमज़ोरी फियर यानी बच्चों का डर है। जब वो डर जाते हैं तो इसकी शैतानी ताकत में इजाफा हो जाता है। जो बच्चे डर जाते हैं ये इनको खा लेता है और ये मजीद स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बच्चे इस क्लाउन का मुकाबला करते हैं और इसकी वीकनेस को इस्तेमाल करके इसको डराते हैं और जब ये डर जाता है तो मर जाता है। तो दोस्तों, ये थी इस साल की सबसे बेहतरीन पाँच हॉरर मूवीज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजम कीजिए और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।